प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर दलवीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, ये आपके सामने है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक एडवर्टीजमेंट। ये है हरियाणा पीजीटी से रिलेटेड, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि ये है एडवर्टीजमेंट नंबर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है 13/2019। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन था 26 अगस्त 2019, फॉर्म शुरू होने थे 2 सितंबर 2019 से, और क्लोजिंग डेट इसकी थी 18 सितंबर 2019 है, और फीस 24 सितंबर 2019 तक है। और ये जो पीजीटी की वैकेंसी है उनको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वैकेंसी मांगी गई थी एक्सेप्ट मेवात जैसे रेस्ट ऑफ हरियाणा की हम बात करते हैं। इसके साथ मैं एक दूसरा नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ जो एचपीएससी ने बाद में रिलीज किया, और ये है वो नोटिस। यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे पब्लिक नोटिस और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंशन की बात यहाँ पे कही गई है। जो मैंने आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिखाया था वो था 13/2019, और नीचे आप देख लेते हैं 13/2019 में आप देखोगे तो डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड रिपब्लिकेशन थी 26/8/2019, जैसे हमने पिछले नोटिस में देखा, पिछली एडवर्टीजमेंट में देखा, और ओपनिंग डेट थी वो थी 10/9/2019 को, यानी कि पहले कहा गया था कि 2 तारीख से हम शुरू कर देंगे, यानी कि 2/9/2019 से जो शुरू हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, परंतु शुरू नहीं हो पाई, बाद में हुई 10/9/2019 से, और क्लोजिंग डेट जो बाद में कर दी गई यानी इस नोटिस के तहत कर दी गई वो कर दी 26/9/2019, और उसके बाद क्लोजिंग डेट फॉर डिपोजिशन ऑफिस 30/9/2019 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट क्या है कि एक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी, और भास्कर न्यूज़पेपर ने क्या बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच में, जैसे रानी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा से रिलेटेड एक केस किया, और हाई कोर्ट ने उनको राहत प्रदान कर दी। और इस राहत में क्या बताया गया, इसके अंदर ये बताया गया कि अब बिना एचटेट वाले कैंडिडेट भी पीजीटी की वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ऐसा लिखा भी हुआ है। इसके अंदर क्या बता रखा है कि अधिवक्ता तेजपाल ढुल ने बताया कि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, फाइन आर्ट आदि विषयों के उम्मीदवारों ने मिलकर ये केस किया था, और सोमवार को रोहतक की अनीसा व अन्य ने मिलकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा उच्च न्यायालय ने रानी बनाम अन्य केस टाइटल की तर्ज पर इन उम्मीदवारों को भी फॉर्म भरने का मौका प्रदान कर दिया, जबकि फॉर्म भरने की तिथि तारीख जा चुकी है। फाइनल आर्ट एसोसिएशन के प्रधान अधिवक्ता दिग्विजय जाखड़ ने बताया कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार पीजीटी के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रावधान नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने पहले ही डबल बेंच में एचटेट और सर्विस रूल को चैलेंज किया हुआ है, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों को राहत प्रदान की है। अब यहाँ पे दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है कि बिना एचटेट वाले भी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरी बात ये बताई गई है यहाँ पे कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी एचटेट का प्रावधान या सीटेट का प्रावधान पीजीटी के लिए नहीं है। तो अब बात यह आती है कि सरकार इसमें क्या करेगी, लास्ट डेट जाने के बाद यानी एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा, डेट एक्सटेंड करेगा, या एक मौका उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जैसे पिछली भर्ती में किया गया था कि एक चांस दे दिया गया था जो भी पीजीटी कैंडिडेट थे और जिन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया और जिनका एचटेट पास नहीं था वो बाद में एचटेट पास करके भी उसका जमा करवा सकते थे अपने एचटेट की कॉपी को, तो क्या ऐसा किया जाएगा। परंतु इसके साथ में हमें कुछ चीजें और भी देख लेनी चाहिए, और वो उनको मैं दिखाता हूँ। अब एचटेट कब होगा, जैसे मैंने पहले एक लेटर डाला था, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था तो उसके अंदर बताया था कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सरकार से परमिशन मांगी थी कि 16 नवंबर को और 17 नवंबर को हम 16 नवंबर 17 नवंबर 2019 को एचटेट का पेपर करवाना चाहते हैं और सरकार इसमें परमिशन दे दे। अब जैसे इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा 21 तारीख को, 24 अक्टूबर को आ जाएगा हरियाणा के अंदर रिजल्ट और उसके साथ है महाराष्ट्र का भी, तो नवंबर के अंदर गवर्नमेंट पेपर करवा सकती है यानी कि बोर्ड पेपर अपना आयोजन करवा सकता है। इसके साथ में एक चीज और देख लेते हैं, ये एक और न्यूज़पेपर की खबर है और इसके अंदर क्या दावा किया गया है, अभी ये देखिए, ये परसों की खबर है यानी कि 29 तारीख की बात करें
तो 29/9/2019 की बात है। इसके अंदर जो डॉक्टर जगबीर सिंह हैं, चेयरमैन हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा है कि 16 व 17 नवंबर को होगा एचटेट। अब यहाँ पे क्या बात है कि आरोही स्कूलों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती परीक्षा करवा रहे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षा की भी तैयारी कर ली है। इस बार 16 व 17 नवंबर को एचटेट परीक्षा होगी, 16 नवंबर को पीजीटी, 17 नवंबर को पीआरटी और टीजीटी की परीक्षा होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय के ये संभावित तिथियां करीब 2 महीने पहले भेजी थी, जिन्हें अब स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। ये बात है, स्वीकृति यहाँ पे मिल गई है जो लिखा है न्यूज पेपर ने। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। वर्ष 2000 जैसे अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, वर्ष 2018 में एचटेट परीक्षा नहीं होने के कारण इस वर्ष यह दूसरा मौका है जब एचटेट परीक्षा हो रही है। इससे पहले 5 से 6 जनवरी को 2018-19 की एचटेट परीक्षा हुई थी, जिसमें 3,76,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। अब ये थी न्यूज जो मैं आपको बताना चाहता था। पहली न्यूज क्या थी कि एचएसएससी के अंदर पीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पीजीटी के अंदर अप्लाई किया है या फिर वो करना चाहते हैं और जिनका एचटेट क्वालिफाई नहीं है, उनको अभी वेट करना होगा कि सरकार या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस प्रकार का स्टेप उठाता है। क्या एडवर्टीजमेंट की डेट को एक्सटेंड करता है या फिर सभी कैंडिडेट्स को इसके बारे में छूट प्रदान करता है। तो फिलहाल ये आदेश मिला है कुछ कैंडिडेट्स को, ये जनरलाइज नहीं है, परंतु जनरलाइज होने की संभावना भी पूरी है कि सब कैंडिडेट्स जो भी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जिनका एचटेट नहीं है, वो कर पाएंगे। अभी हमें सरकार का वेट करना पड़ेगा या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेट करना पड़ेगा। अब उसके बाद यदि सरकार कंडीशनल अप्लाई करवाती है, कंडीशनल मतलब जैसे पिछली बार अप्लाई करवाया गया था कि ऐसे कैंडिडेट जिनका एचटेट क्वालिफाई नहीं है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाद में उनका एचटेट हो जाता है तो वो अपनी सॉफ्ट कॉपी को जमा करवा के और वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि बात होती है तो हमें एचटेट की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए जो 16 और 17 नवंबर को होगा, क्योंकि इसकी डेट कंफर्म कर दी है डॉक्टर जगबीर सिंह जो चेयरमैन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के। उम्मीद करता हूं ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में लाइक करें, शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।